इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शरारा कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। गाइस इजीली आप इस ड्रेस को बना सकते हो। तो जी गाइस इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये दो फैब्रिक ले लिए हैं। इस तरह से गाइस यहाँ पे मैंने 1.5 मीटर कुर्ती वाला फैब्रिक लिया है और यहाँ पे मैंने 2 मीटर ये शरारे वाला फैब्रिक लिया है। तो इन दोनों फैब्रिक से मैं इस ड्रेस को रेडी करने वाली हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये कुछ लेस ले ली है। इस तरह से गाइस यहाँ पे मैंने ये कुछ लेस ली है इस तरह से बारीक वाली, तो मैं इसको लगा के ड्रेस बनाऊंगी। तो चले गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस ड्रेस को बनाना सीख लेते हैं। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने सबसे पहले शरारे वाला फैब्रिक ले लिया है 2 मीटर। अब मैं इस फैब्रिक को यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसको ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसको इस तरह से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। आपको इसको 2 फोल्ड कर लेना है। इधर से हमारी ये जॉइंट साइड है और इधर से ओपन साइड है, तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। फ्रेंड्स अब मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर दूंगी। आपको इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर देना होगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पे गाइस मैं इसकी लेंथ नाप लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसकी लेंथ रखी है 18 इंच। इस तरह से आपको इसकी लेंथ रख देनी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैंने इसकी जो व्रत रखी है फ्रेंड्स, वो रखी है मैंने यहाँ पे 25 इंच इसकी व्रत रखी है। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ नीचे से। यहाँ पे जिस मैंने इसको फोल्ड करके रखा है, तो मैं यहाँ पे नीचे से इसकी कटिंग कर दूंगी। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है और इधर से ये हमारी जॉइंट साइड है, यहाँ पे भी मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। इसको अलग कर देती हूँ मैं यहाँ से। तो जी फ्रेंड्स मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर दिया है और आप देख सकते हो इसमें से हमारी जो 2 लेयर कटिंग होकर रेडी हो गई है। ये दूसरी लेयर है हमारी और ओपन करने के बाद इस तरह से ये लंबी लेयर कटिंग हुई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको 2 लेयर कटिंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो जी गाइस बेल्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और इसको यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे 4 फोल्ड कर दूंगी। तो इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे मैं इसको नाप लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसकी जो व्रत रखी है वो रखी है यहाँ पे 11 इंच और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ रखी है यहाँ पे 19 इंच। इस तरह से 19 इंच लेंथ रख ली है मैंने इसकी। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसकी आसन को मार्क कर लूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर दिया है और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ रखूँगी यहाँ पे 13 इंच। इस तरह से मैं यहाँ पे 13 इंच पे मार्क कर दूँगी एंड इसके बाद मैं इन दोनों निशान को इस तरह से मिला दूँगी एक दूसरे से। तो यहाँ पे मैंने इनको इस तरह से मिला दिया है। अब नीचे से मैं इसको हल्का सा गोलाई में इस तरह से कर्व दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आसन को मार्क कर दिया है। अब मैं नीचे से इसकी व्रत रख लेती हूँ यहाँ पे 9 इंच। तो मैंने इसकी व्रत रख ली है 9 इंच और इस तरह से मैंने इसको आड़ा मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है उसी को फॉलो करते हुए मैं इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे मैं नेफे को मार्क कर लूंगी। 2 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया है नेफे का। इस तरह से मार्क लगा देना है आपको 2 इंच पे। अब यहाँ पे जो ऊपर से हमारी ये जॉइंट साइड है यहाँ पे मैं इसको अलग कर दूंगी कटिंग करके इस तरह से। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से अलग कर दिया है कटिंग करके और जो हमारी बेल्ट है वो यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो गई है।
और यहाँ पे जो हमारी टू लेयर थी नीचे लगाने की, वो भी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। हमारा जो शरारा है वो कटिंग हो गया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो जी गाइस, स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पार्ट ले लिया है बेल्ट का। इस तरह से आपको एक पार्ट ले लेना है, इसको आपको सीधा रख लेना है और दूसरे वाले पार्ट को आपको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख देना है। यहाँ पे मैंने दूसरे वाले पार्ट को उल्टा रख दिया है और पहले वाले पार्ट को मैंने सीधा रखा था। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ पे मैं आसन को स्टिचिंग कर लूँगी। इधर की साइड से मैं आसन को स्टिचिंग कर लूँगी एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इधर की साइड से भी आसन को स्टिचिंग कर लूँगी। 2 इंच का ऊपर से बचाते हुए यहाँ पे मैं इसको स्टिचिंग करूँगी। 2 इंच में यहाँ पे छोड़ दूँगी फ्रेंड्स और यहाँ पे मैं दोनों साइड से आसन को स्टिचिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे गाइस मैंने आसन को स्टिचिंग कर दी है और उधर की साइड से मैंने 2 इंच का बचा दिया है इस तरह से। अब इसमें यहाँ पे मैं कमरबंद डालने का बचाऊंगी इस तरह से, या फिर आप इलास्टिक वगैरह भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर दूंगी इसको एंड इसके बाद यहाँ पे मैं नेफे को फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से डबल फोल्ड कर दूंगी मैं नेफे को और स्टिचिंग कर दूंगी। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने इस तरह से कमरबंद डालने का बचा दिया है यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैंने ये नेफा फोल्ड कर दिया है इस तरह से 1.5 इंच का। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इसको इस तरह से नीचे से रख लूँगी और जो हमने यहाँ पे लेयर कटिंग की थी उसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी। एक लेयर को मैं इसके ऊपर रख दूंगी ओपन करके, इस तरह से इसको सीधा रख लूँगी और लेयर को इसके ऊपर उल्टा रख लूँगी। यहाँ पे मैं इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे मैं इसमें छोटे छोटे चुन डालूंगी। इस तरह से यहाँ पे आपको इसमें प्लेटें डालनी है छोटी छोटी, 1 इंच का गैप देते हुए 1 इंच की आपको एक प्लेट डालनी है फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसको सारी लेयर को इस तरह से प्लेट डाल दूंगी यहाँ पे इस पर रखते हुए। तो जी गाइस यहाँ पे मैं इसमें प्लेट डाल देती हूँ, इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट डालनी है आपको इसमें। सेम इसी तरह से मैं दूसरी वाली प्लेट को दूसरे वाले बॉटम में जोड़ दूंगी। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने इसमें ये प्लेटें डाल ली है इस तरह से, आप देख सकते हो। यहाँ पे ओपन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मैंने इसमें छोटी छोटी सी प्लेटें डाल दी है दोनों तरफ, दोनों साइड की बेल्ट में। अब यहाँ पे गाइस मैं इसको नीचे से फोल्ड कर लूँगी। आपको बारीक बारीक सा 1/2 इंच का इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड कर देना है और आपको स्टिचिंग कर देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको नीचे से फोल्ड कर दूंगी एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको लेस लगानी होगी। तो मैं ये लेस ले ली है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नीचे में लेस को इस तरह से लगाऊंगी बारीक बारीक से। यहाँ पे इस तरह से आपको पूरे घेरे पे लेस को लगा देनी है फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में भी लेस लगानी है जहाँ पे हमने ये चुन दिए है। इस तरह से आपको बेल्ट पे रखते हुए इस लेस को लगा देनी है ऊपर भी और नीचे भी। तो जी गाइस यहाँ पे दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से लेस लगा दूंगी बेल्ट पे भी और नीचे की लेयर पे भी। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेल्ट पे भी लेस लगा दी है और यहाँ पे मैंने नीचे की लेयर पे भी लेस लगा दी है। इसको यहाँ पे मैंने पहले फोल्ड कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको लेस लगा दी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इसके दोनों बॉटम को इस तरह से लेस लगा दी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको लेस लगा देनी है एंड इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर लूँगी। इस तरह से आपको इसको उल्टा कर लेना है। इसको उल्टा करने के बाद यहाँ पे आपको इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है फ्रेंड्स, इस तरह से सेट कर लेना है आपको। अब यहाँ पे आपको इसकी लूजिंग की स्टिचिंग कर देनी है। इस तरह से 1/2 इंच की आपको लूजिंग की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसकी लूजिंग की स्टिचिंग कर दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे जो हमारा शरारा है वो यहाँ पे स्टिचिंग होकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। कितना इजीली हमने इसको स्टिचिंग कर लिया है और कितना प्यारा सा इसका लुक आया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो हमारा जो शरारा है बैक साइड से भी बिल्कुल सेम है इसी तरह से, दोनों साइड से, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो यहाँ पे गाइस हमारा शरारा स्टिचिंग होकर रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पे कुर्ती को कटिंग कर लेती हूँ एंड उसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा शरारा रेडी हुआ है। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने कुर्ती वाला फैब्रिक ले लिया है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे मैंने ये 1.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। अब इस फैब्रिक को मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इसको ओपन कर लेना होगा। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। आपको इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए रख लेना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे गाइस मैंने इसको इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। आपको इसको 2 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो इधर से ये जॉइंट साइड है आप देख सकते हो, इधर से ये ओपन साइड है, तो मैंने इसको इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर वाले पार्ट को मैं 1/8 इंच छोटा रखूँगी नीचे वाले पार्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाला पार्ट इससे 1/8 इंच बड़ा है और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से इसको छोटा कर लिया है ऊपर वाले पार्ट को। इस तरह से आपको अच्छी तरह से सेट करते हुए इसको रख लेना है। दोनों तरफ से आपको 1/8 इंच छोटा रखना है। इधर की साइड से भी मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी 1/8 इंच छोटा करते हुए। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसको इस तरह से सेट कर लिया है इससे 1/8 इंच छोटा रखते हुए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने ऊपर वाले की लेंथ रखी है यहाँ पे 26 इंच और नीचे वाले की लेंथ रखी है मैंने यहाँ पे 33 इंच। तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से छोटा रखा है इससे।
अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये देख सकते हो मैंने इसको टू फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से फोर फोल्ड कर दिया है। फोर फोल्ड करने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। इस तरह से मैंने फोर फोल्ड करते हुए इसको रख लिया है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले शोल्डर को मार्क करूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे शोल्डर को मार्क कर लेती हूँ। शोल्डर साइज रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 6 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। इसके बाद मैंने आर्म होल साइज भी 6 इंच रखा है और यहाँ पे मैंने चेस्ट साइज रखा है यहाँ पे 10th इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लूजिंग साइज रखा है 9 इंच, तो 9 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने चाकू का मार्क लगाया है यहाँ पे 12 इंच पे मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। फिर यहाँ पे गाइस मैंने इसकी लेंथ रखी है 33 इंच, इस तरह से आप देख सकते हो। ऊपर वाले की रखी है 26 इंच, तो यहाँ पे नीचे से मैंने इसकी लेंथ रखी है फ्रेंड 11 इंच। बॉटम की लेंथ मैंने 11 इंच रखी है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल को इस तरह से मार्क कर दूंगी। इस तरह से मार्क करने के बाद बीच से मैं इसको हल्की सी गोलाई शेप दूंगी, इस तरह से कर्व बना दूंगी। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है उसको मैं हल्का सा अंदर को मार्क कर लूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसकी लूजिंग की मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। आपको नीचे के बॉटम तक के इसकी मार्किंग कर देनी होगी। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इसके नेक को मार्क कर देती हूँ। नेक की वृत्त रखी है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 इंच और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ रखूंगी 5 इंच। यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रंट वाला नेक मैं 5 इंच बनाऊंगी और जो बैक वाला नेक वो 4 इंच। बैक वाला नेक मैं छोटा रखूंगी और फ्रंट वाला बड़ा, तो मैं यहाँ पे इस तरह से डब्बा सा बना दूंगी। और यहाँ पे मैं 2 मार्क कर दूंगी गोलाई में इस तरह से, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ पे मैंने गाइस ये मार्क कर दिया है इस तरह से। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसके शोल्डर को मार्क कर दूंगी। आपको शोल्डर को इस तरह से हल्का सा आड़ा सा मार्क कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कटिंग कर लेती हूँ। जो मेरा छोटा वाला नेक है उसी से मैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट करूंगी। और यहाँ पे आर्म होल को भी मैं इस तरह से बाहर वाला जो आर्म होल है उसी पे इसकी कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे गाइस मैं कुर्ती की कटिंग कर देती हूँ। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने कुर्ती की कटिंग कर दी है इस तरह से। अब जो हमारा फ्रंट वाला बॉटम है उसको मैं इसमें से अलग हटा लूंगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको अलग हटा लूंगी और फिर से मैं इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए रख दूंगी। अब यहाँ पे मैं जो फ्रंट वाले नेक को इस तरह से उससे 1 इंच बड़ा कर दूंगी इस तरह से कटिंग करते हुए। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ 1 इंच इसकी। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और जो हमारा यहाँ पे ये आर्म होल है इसको भी मैं यहाँ पे बीच से इस तरह से हल्का सा अंदर को कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसको इस तरह से अंदर को कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रंट वाले बॉटम पे नीचे में मैं लेयर लगाऊंगी। इस तरह से मैं यहाँ पे लेयर ले लूंगी। और लेयर की फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने व्रत ली है यहाँ पे 35 इंच, इस तरह से मैंने इसकी व्रत रखी है। और इसकी लेंथ रखी है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 9 इंच, इस तरह से मैंने इसकी लेंथ रख दी है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में जब स्टिचिंग करूंगी तो मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी कुर्ती है वो कटिंग हो गई है दोनों बॉटम। अब यहाँ पे गाइस मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। तो गाइस स्लीव्स के लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है और इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से टू फोल्ड करते हुए रख लिया है। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इसको फोर फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। आपको इसको फोर फोल्ड कर देना होगा। और स्लीव्स की लेंथ रखी है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 11 इंच और यहाँ पे मैंने नीचे से इसको रखा है 5 इंच। अब गाइस यहाँ पे मैंने इसके आर्म होल को रखा है 7 इंच। इस तरह से मैं इन दोनों मार्क को मिला दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ऊपर के आर्म होल को मैं मार्क कर लूंगी। इस तरह से आपको आड़ा सा मार्क करना है इसको। यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब फ्रेंड्स जो आगे की साइड आएगा उसको हम हल्का सा अंदर को मार्क कर देंगे इस तरह से। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने स्लीव्स को कटिंग कर दिया है। यहाँ पे कोने पे आपको छोटा सा कट लगा देना है इस तरह से नोटिस। अब यहाँ पे आपको स्लीव्स को ओपन कर लेना है। जो हमने अंदर को मार्क किया है उसको आपको यहाँ पे कटिंग कर देना होगा। तो यहाँ पे गाइस जो हमारी स्लीव्स है वो कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं इसमें नीचे में लेयर लगाऊंगी झालर वाली, जिस तरह से बॉटम पे मैंने कटिंग की है। तो यहाँ पे मैंने लेयर ले ली है फ्रेंड्स। और यहाँ पे गाइस जो मैंने लेयर की व्रत रखी है वो रखी है 29 इंच इस तरह से। और इसकी लेंथ रखी है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 9 इंच, इस तरह से यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ रख ली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लेयर कटिंग कर ली है स्लीव्स में लगाने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारी कुर्ती है फ्रेंड्स वो कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे मैं कुर्ती की स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गाइस मैंने स्टिचिंग के लिए यहाँ पे फ्रंट वाला बॉटम ले लिया है। अब फ्रंट वाले बॉटम पे मैं ये पट्टी लगाऊंगी। मैंने ये रेब वाली पट्टी कटिंग कर ली है। आपको बॉटम को सीधा रख लेना है इस तरह से और पट्टी को आपको टू फोल्ड करते हुए इस तरह से लगाना है यहाँ पे नेक पे इस तरह से। और इस तरह से लगाते हुए आपको इसको उल्टी तरफ को फोल्ड कर देना है। बैक साइड को इस तरह से आपको ऊपर को स्टिचिंग कर देनी है। इसके बाद गाइस आप बैक वाले नेक को भी इसी तरह से ये पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने इस तरह से ये पट्टी लगा ली है नेक को, उल्टी साइड को मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है उल्टी तरफ को। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने ये लेस ले ली है और लेस को मैं नेक पे इस तरह से लगा दूंगी। पूरे राउंड पे आपको लेस को लगा देना है और स्टिचिंग कर देनी है। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने लेस लगा ली है इस तरह से, आप देख सकते हो।
यहाँ पे गाइस मैंने इस बॉटम को सीधा रख लिया है और ऊपर वाले बॉटम को भी यहाँ पे गाइस मैंने ये पट्टी लगा ली है नेक को इस तरह से, और इसके ऊपर मैं इसको रख दूंगी उल्टा इस तरह से रखते हुए। गाइस यहाँ पे आपको इसको अच्छी तरह से सेट करते हुए रख लेना है और यहाँ पे आपको शोल्डर को स्टिचिंग कर देना है दोनों शोल्डर को। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने दोनों शोल्डर को इस तरह से स्टिचिंग कर लिया है। यहाँ पे अब मैं इसमें स्लीव्स लगाऊंगी फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों तरफ में। तो यहाँ पे गाइस मैंने स्लीव्स ले ली है इस तरह से, आपको स्लीव्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं स्लीव्स को इस तरह से ओपन कर लूंगी और यहाँ पे जो हमने ये लेयर कटिंग की थी फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये लेयर ले ली है इस तरह से, और लेयर को इसके ऊपर यहाँ पे मैंने उल्टा रख लिया है और स्लीव्स को नीचे मैंने सीधा रखा है। और लेयर में हम इस तरह से यहाँ पे इसमें प्लेटें डाल लेंगे छोटी छोटी सी, इस तरह से आपको इसमें प्लेटें डालनी है। फिर पूरी लेयर को आपको स्लीव पे रखते हुए इस तरह से प्लेटें डाल देनी है और स्टिचिंग कर देनी है। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं इसको नीचे से हाफ इंच का फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। इसी तरह से गाइस मैं दूसरी स्लीव्स को रेडी कर लूंगी। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें लेस लगाऊंगी, तो मैंने ये लेस ले ली है फ्रेंड्स, और स्लीव्स के ऊपर मैं लेस को यहाँ पे इस तरह से रखते हुए स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं स्लीव्स की लेयर को भी लेस लगाऊंगी इस तरह से नीचे रखते हुए, मैं पूरे घेरे पे इसको लेस लगाते हुए स्टिचिंग कर दूंगी। सेम इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को लगा लूंगी मैं। तो यहाँ पे गाइस मैंने दोनों स्लीव्स को लेस लगा ली है ऊपर में भी और नीचे में भी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे मैं स्लीव्स को आर्म होल में अटैच करूंगी, तो मैं यहाँ पे कुर्ती ले लेती हूँ फ्रेंड्स। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने कुर्ती ले ली है और आर्म होल को आपको इस तरह से रख लेना होगा। इसके ऊपर यहाँ पे मैं स्लीव्स रख लूंगी और जो हमारा स्लीव्स का ये छोटा सा कट है यहाँ पे मैं शोल्डर के जोड़ के ऊपर इसको इस तरह से रख दूंगी। और इस तरह से रखते हुए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसको इधर की साइड में स्टिचिंग कर देनी है। इसके बाद आपको इधर की साइड पे भी स्टिचिंग कर देनी है। सेम इसी तरह से गाइस आपको दूसरी स्लीव्स को रखना है और स्टिचिंग कर देनी है दोनों साइड पे। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने स्लीव्स को स्टिचिंग कर ली है आर्म होल में अटैच करते हुए इस तरह से, आप देख सकते हो दोनों तरफ मैंने स्लीव्स को लगा लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है, अब मैं स्लीव से यहाँ पे इसकी लूजिंग करना स्टार्ट करूंगी। मार्क करने के बाद सेम इसे मैं दूसरी साइड पे इसकी लूजिंग करूंगी इस तरह से जहाँ पे मैंने मार्क किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दोनों साइड पे इसकी लूजिंग की स्टिचिंग कर देती हूँ। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है इस तरह से, आप देख सकते हो दोनों साइड पे। अब गाइस यहाँ पे मैं फ्रंट वाले बॉटम को रख लेती हूँ इस तरह से सीधा करके, आपको फ्रंट वाले बॉटम को रख लेना होगा इस तरह से सीधा। इसके बाद आपको लेयर लेनी होगी जो कि मैंने कटिंग की हुई है। लेयर को आपको इसके ऊपर उल्टा रखना होगा फ्रेंड्स इस तरह से। इस तरह से रखते हुए आपको लेयर में छोटे छोटे से चुन देने हैं, हाफ इंच के चुन देने हैं आपको इसमें। इस तरह से प्लेटें डालनी है हाफ इंच के देने हैं और वन इंच का गैप देना है आपको। इस तरह से आपको इसमें प्लेटें डालते हुए पूरी लेयर को आपको बॉटम पर लगा देना है। एंड इसके बाद गाइस आपको लेयर को नीचे से फोल्ड करना है हाफ इंच का, इस तरह से आपको इसको डबल फोल्ड कर देना है और स्टिचिंग कर देनी है फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे बैक वाले बॉटम को यहाँ पे वन इंच का फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर देनी है इस तरह से, पूरे बॉटम पे आपको स्टिचिंग कर देनी है। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने ये लेयर इसमें लगा ली है इस तरह से, मैंने हाफ इंच के इसमें चुन दिए हैं और नीचे से मैंने इसको हाफ इंच का फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको वन इंच का फोल्ड कर दिया है बैक साइड से, तो यहाँ पे मैंने लेयर लगा ली है। अब यहाँ पे गाइस मैं इसको लेस लगाऊंगी, तो मैंने ये लेस ले ली है और लेस को मैं इस तरह से बॉटम पे रखूंगी, ऊपर की साइड पे लगा दूंगी मैं इसको, स्टिचिंग कर दूंगी। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे की लेयर पे भी लगाऊंगी लेस को इस तरह से रखते हुए। आपको पूरे घेरे पे इसको लेस को लगा देना है और स्टिचिंग कर देनी है फ्रेंड्स। तो जी गाइस यहाँ पे मैंने लेस लगा दी है इस तरह से, आप देख सकते हो, और नीचे में भी मैंने इसको लेस लगा दी है फोल्ड करते हुए इस तरह से। अब गाइस यहाँ पे मैंने बैक वाले बॉटम को इस तरह से वन इंच का फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से मैं चाकू को फोल्ड करूंगी, वन इंच का स्टिचिंग कर दूंगी, और इस तरह से मैं यहाँ पे इस वाले को भी स्टिचिंग कर दूंगी फ्रेंड्स वन इंच का फोल्ड करते हुए। सेम इसी तरह से मैं इधर की साइड वाले को स्टिचिंग कर दूंगी फोल्ड करते हुए वन इंच का। तो जी गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और कितनी अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है कुर्ती की, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स। और यहाँ पे नीचे का बॉटम देख सकते हो मैंने इस तरह से चुन दिए हैं। और यहाँ पे गाइस ये स्लीव्स को मैंने इस तरह से रेडी किया है, यहाँ पे इस तरह से झालर लगाई है मैंने इसको इस तरह से लेयर लगाते हुए, और नेक को मैंने यहाँ पे लेस लगाई है फ्रेंड्स। हमारी जो कुर्ती है वो यहाँ पे स्टिचिंग हो गई है। और गाइस बैक साइड से बिल्कुल सिंपल है हमारी कुर्ती, यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको सिंपल रखा है। तो जी गाइस यहाँ पे जो हमारी कुर्ती है वो स्टिचिंग होकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। और यहाँ पे शरारा भी हमारा स्टिचिंग हो गया है फ्रेंड्स। ये हमारा फुल ड्रेस लुक है, कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। तो जी गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये ड्रेस अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।